धर्मगुरु का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हमें हाई रखना पड़ेगा मधुमेह। अपन दे के नॉट बी फॉरगिवन, यानी अगर स्वामीगल जयेंद्र सरस्वती को जेल हुई वो मेरे लिए बहुत पीड़ा का दिन था। मैं मेरे आंखों में आंसू थे, मैं 2-3 दिन तक नॉर्मल नहीं हो पाया था। लेकिन एक धर्माचार्य धर्म के लिए यदि वीर गति को भी प्राप्त हो जाता है तो क्या हानि है? आप तो वीतराग हैं, आप सन्यासी हैं, आपको क्या बांधता है संसार से धर्म के अतिरिक्त? और यदि धर्म की मार्ग में आपको वीरगति भी प्राप्त करनी पड़े तो जैसे, अच्छा अगर आप इससे इससे सहमत नहीं है तो नहीं, आप मतलब बोलो 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 मैं एक हायर स्टैंडर्ड दे रहा हूं, बोलो, फिनिश इट, आई मैं एक वांट हायर टू हियर, स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूं। अब एक मेरी पुस्तक में मैंने वर्णन किया है, महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह के बीच में एक शिकार को लेकर झगड़ा हो गया, एंड दोनों ने निर्णय किया कि फाइट एंड टू डेथ, जो जो दूसरे को मारकर ही शिकार पर कब्जा करेगा। ठीक है, राजपूती खून था, उबाल खा गया। अब सैनिक भागे ऊपर, जो राजगुरु थे नारायण पालीवाल, उनको बुलाया, तुरंत वो घोड़े पे चढ़ के उन्होंने बोला, राजपुरुषों, आप देव राजपुत्रों, ऐसे नहीं आप लड़ सकते, आप कोई और शर्त रख लो। दोनों उस महापुरुष ने, उस ब्राह्मण ने कटार खेत के खुद की छाती में मार ली। अब अगर आप लड़ते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा आप लोगों के पे। जिस स्पेल ऑफ एंगर में शक्ति सिंह जी और महाराणा प्रताप उस वक्त थे, उसको तोड़ने का एक ही मार्ग था कि राजगुरु ने अपना बलिदान दे दिया। ऐसे होते हैं राजगुरु। आप सोचें, अगर शक्ति सिंह जी की हत्या हो गई होती या प्रताप की हत्या हो गई होती, क्या कौन सी रेजिस्टेंस इस्लाम को कर पाता ये घर परिवार? तो ये थोड़ा सा मुझे वीक आर्ग्यूमेंट लगता है कि जी गवर्नमेंट के डर से ये लोग ऐसा करते हैं। यार, गवर्नमेंट के डर से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तो अपने घर में नहीं बैठा, हेलो, ये रहन दीजिए, आप तो नहीं बैठे। अच्छा, नहीं, आई एम सॉरी, ही हैज द बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स क्लियर, व्हिच इज गुड। आप डू यू हैव, वेट, उमेंद्र जी, संजय दीक्षित है, उमेंद्र जी, हम सब अपने 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 तरीके से अपना दे ही रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रही हूँ, आई एम सेइंग लेट्स बी ऑन द सेम पेज एटलीस्ट। आपकी बात बहुत सही है कि हमें धर्म गुरुओं के लिए हायर बेंचमार्क सेट करना ही चाहिए। आई 100% एग्री विद यू कि धर्म गुरु कैसे, यदि आप उस स्थान को बनाए रखने के लिए अपनी आहुति देने को तैयार नहीं। परंतु अब ये नहीं है ना कि आप केवल जैसे भगत सिंह ने आहुति दे दी और इतनी छोटी उम्र में उस आहुति ने, देखिए, उसका नाम अमर कर दिया। परंतु आज की जो सरकारें हैं वो आपको तथा कथित शहीद या बनने का शहीद मौका तो होना नहीं चाहिए, बलि बलिदान नहीं बोलना, कोई मैं शब्द हुतात्मा 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 या बनने का अवसर नहीं देती देती हैं। तो आपके ऊपर रेप का चार्ज, आपके ऊपर ऐसे घटिया चार्ज लगाते हैं कि इंसान शर्म से मर जाए, प्राइड से मर भी ना सके। जिस तरह झूल गए भगत सिंह, प्राइड से चूमा उन्होंने फांसी के फंदे को, हाँ, तो वो कितने लोगों के लिए, करोड़ों के लिए आज भी इंस्पिरेशनल मूवमेंट होता है, उसको याद रखना भी। परंतु परंतु बापू आसाराम के पास तो कोई फटकने को तैयार नहीं, अगर उन्हें मालूम भी है कि ये झूठा केस है, क्योंकि शर्मसार हिंदू समाज बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी ओर उनकी तरफ किसी ने गैंग रेप, जेनोसाइडल वायलेंस, 10,000 कत्ल किए, लूटा, अपहरण किया, वो हीरो है, उनके पास इंसेंटिव है वो सब काम करने का, जिससे हम कांप जाते हैं सोच के भी, जिनकी कल्पना करके। और यहाँ पे धर्म गुरु तथा कथित जो भी हैं, एक तो स्टेक्स बिकम वेरी हाई इफ दे कैन जस्ट कॉन्फिस्केट एवरीथिंग, टेक ओवर, आपका आश्रम मंदिर टेक ओवर कर सकते हैं, आपका आश्रम टेक ओवर कर लेंगे, यू फिनिश। अब सड़क पे घूम, फिर भी आप कहोगे सो व्हाट, मुझे उससे लगता है वो भी लोग सहन कर लें, ठीक है हम सड़क पे चल देंगे।
हम वी विल बिकम मोबाइल प्रचारक, परंतु रेप चार्ज लगा के आपको तिहाड़ में बंद कर दिया ना, तो आपका नहीं आपके सारी फॉलोइंग का, करोड़ों लोगों का मनोबल टूटता है उसको देख के। हजारों और तथाकथित धर्म गुरुओं का मनोबल टूटता है कि ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। Well then the mothership is going to sink. Then हम एक बैटल को लूज करने के चक्कर में पूरा वॉर ही हार जाएंगे। ये बिल्कुल उचित है आपकी बात कि मॉरल कंपस जिस समाज का आपसे बिल्कुल डिफरेंट है उसके साथ जो लड़ाई है बिल्कुल अनइवन लड़ाई है। ये बहुत विषम काल है हिंदुओं के लिए। इसमें मैं आपके साथ पूर्णतः सहमत हूँ कि धर्माचार्यों को भी ये डर लगा रहता है कि वो उनके ऊपर हर तरह के जो कुछ देखें ना, नोबडी कैन फाइट द स्टेट। स्टेट से लड़ना एक असंभवता है, वो तो है, लेकिन विकल्प भी हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब धर्माचार्यों से ही आशा की जा सकती है, उन्हीं से करना पड़ेगा। राजनीतिक लीडरशिप तो कंप्लीटली बैंकरप्ट है। जो राजस्थान में हाल हुआ यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता, जैसलमेर और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो मदरसों की बाढ़ आई हुई है, मेरे विचार से ये उचित समय होगा अगर आपको मैंने को जो वीडियो भेजा था वो चला दें जरा, कि जरा दिखाएं लगे कि भाई इन्हीं के स्कॉलर जावेद अब्दुल घमदी, जो कि वैसे मूलतः पाकिस्तानी है लेकिन रहे वो मलेशिया में रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा खुद ही सुन लें। इस देश का हिंदू नेतृत्व दहशतगर्दी ISIS और इस किस्म के जो हमारे यहाँ अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये जो दहशतगर्दी है इसका सबब क्या है और इससे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजहबी फिक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है, इसका बायस ये है। और इसमें चार चीजें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है, वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो चार चीजें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफर होगा या इर्तदाद होगा, अपोस्टसी यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सजा मौत है और ये सजा हमें नाफिज करने का हक है, पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं, मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें इनका कोई जवाज नहीं है। और चौथी बात यह कि जदीद नेशनल स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफर है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये चार बातें हमारे मजहबी फिक्र की बुनियाद है। मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे? इस वजह से मैं मुसलसल अपनी हुकूमत से भी और पाकिस्तान के लोगों से भी कह रहा हूं कि जब तक आप इस मजहबी फिक्र, ये एक नैरेटिव है, इसके मुकाबले में इस्लाम का सही नैरेटिव नहीं पेश करेंगे, ये लोग पैदा होते रहेंगे एक के बाद दूसरा दूसरे। रत्न जी बाकी तो सब सही कहा इन्होंने, एंड की लाइन देखिए, वो छोड़ दें आप उसको। बड़ी जरूरी है वो। देखिए इतना बड़ा क्रिटिक भी मदरसा छाप एजुकेशन का एंड में क्या कहता है, इस्लाम का सही अगर चेहरा नहीं प्रेजेंट करेंगे, पर यही सही है, इसके अलावा है क्या इस्लाम के पास? द होल थिंग इज मैनकाइंड इज अबाउट एवरेजेस नॉट द एक्सट्रीम्स। तो अगर जो इन्होंने फरमाया है अपने श्री मुख से कि ये चार चीजें मदरसों में पढ़ाई जा रही हैं, और अगर भारतवर्ष के जो 10% भी यदि इस बात को इसमें श्रद्धा रखते हैं, द नंबर्स आर सिंपली ओवरवेलमिंग। विच आर्मी विच पुलिस विल सेव यू फ्रॉम सच नंबर्स हु आर कन्विंस्ड दैट। द सेकंड पॉइंट था कि दुनिया में
केवल मुसलमान हैं जो कि जिनको राज्य करने का अधिकार है। और हमारी रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, को हो नृप ही हमहु का हानि, कोई भी राजा हो मुझे उससे क्या लेना देना। वो एक स्ट्रीम ऑफ थॉट हिंदुइज्म में चला, हमने भक्ति मार्ग को नपुंसकता का एक बहुत बढ़िया जामा पहना दिया। बट वो एक स्पिरिचुअल डिस्कशन है। कमिंग बैक टू द मदरसा एजुकेशन, आपकी गवर्नमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड 100-200, 500-500 करोड़ रुपए मदरसों की फंडिंग कर रही है, जहां पर फिडेलिटी टू द नेशन स्टेट के अगेंस्ट पढ़ाया जाता है कि नहीं, खिलाफत है, एक राष्ट्र नाम की कोई इकाई नहीं होती है और राष्ट्र उस शिक्षा की फंडिंग कर रहा है। और जब इस देश के कर्तव्य धर्तों के साथ बात करो तो कहते हैं, आप रहने दीजिए, हम तो 20 साल आगे की सोचते हैं।